भूपेश बघेल रविवार को रायपुर हेलीपैड से कोरिया जिले के बैकुंठपुर दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई अहम विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा ट्रेनें बंद करने और कोयले की कमी को लेकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने रेल मंत्री से बात की थी, रेलवे गरीबों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है, यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है, भाजपा सांसदों को इस पर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोयले की कमी को लेकर चिंता जताई। जो उदयपुर की घटना है उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की है कम है और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका उनके क्या संबंध है। तो लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं है। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के? ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, इनके किनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। मैं तो रेल मंत्री से भी बात किया, यहाँ ट्रेनिंग शुरू करो, और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है तो इन लोगों को बात करनी चाहिए, प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। जो काम 15 रुपये में होता है वो 1500 रुपये लगता है। यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो गरीब लोगों के मध्यम श्रेणी लोगों को आने जाने दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है, और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है, 17-18 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा, प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी।